हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रूबी रेसिपी एंड ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत। और अभी शाम के बज गए हैं 7 और अभी आज हम लोग जा रहे हैं खरना का प्रसादी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ तो प्रसादी ही खाना है आज। और बहुत जगह हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ही प्रसादी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता है। इसलिए आज हम खाना भी नहीं बनाए हैं और ये अभी लाइट वगैरह खुला भी नहीं है मेरे घर से, जो लगा है सो लाइट है ही। और अभी टाइम हो गया है 10:30 बज गया। अभी हम लोग आए हैं, शाम से निकले हुए थे, कितने 7 बजे निकले हुए थे, और 7 बजे के निकले निकले अभी बस हम घर पहुंचे ही हैं हम लोग। और बस आज प्रसादी इतना अधिक हो गया था ना खाना, बस वही हम लोगों का खाना भी था, क्योंकि जहाँ पे भी जाइए प्रसादी प्रसादी सभी जगह, तो बहुत ज़्यादा प्रसादी भी, और इतना बहुत सारा लेकर के भी आए हुए हैं प्रसादी, बहुत सारा प्रसादी। तो फिर बस देखिए पूरा नाक से सिंदूर सभी लोग की हुई, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम का बज गया है, बस 5 बजने ही वाला है, और अभी तक हम लोग तैयार ही हो रहे हैं, क्योंकि आज घाट पे हमको और गिन्नी को ही जाना है। ये कहीं बाहर गए हुए हैं, बाहर अपना गांव गए हुए हैं, वहाँ से अगर ये वीडियो लाएंगे तो हम आप लोगों के साथ ये भी वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। और आज जो छठ का ये पहला अर्घ है, तो आप लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए ये मेरे साथ ना ये सूट में ये इसी कलर में मास्क दिया हुआ है, तो हम बस हम इसी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं आज। अच्छा लग रहा है इसके साथ, सेम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी आज अभी जो छठ में जो घाट पे भीड़ भाड़ होगा, तो उसके लिए मास्क और सैनिटाइज़र का यूज ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा सेफ्टी ही सबसे पहला प्रायोरिटी बनती है मेरी। तो चलिए आज गिरिडीह का छठ आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और यहाँ का छठ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा से यहाँ पे छठ पर मनाया जाता है, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए और जाने से पहले हम यहाँ पे ना साफ कुछ काम कुछ कहते हो जाए।
मतलब आने का आधा घंटा हो गया है, तो बस और आज ना हम और गिन्नी ही गए हैं, सृजन और सृजन के पापा दोनों लोग आज अपना गांव गए हुए हैं, जहां उनका अपना घर है वहां पे वे लोग गए हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी एक चाची जी है, उनकी बहू छठ कर रही है, तो वहां से वहां पे उन लोग बुलाए थे तो वहीं पे उन लोग गए हुए हैं। तो बहुत दिन से, अभी इनका छुट्टी भी था तो बोले कि चलो घूम आते हैं अपना गांव, हमको भी बोल रहे थे जाने के लिए, मगर हम नहीं गए क्योंकि गिन्नी का ना दो इधर दीपावली के से ही मतलब इसका तबीयत नहीं ठीक रह रहा है थोड़ा, तो फिर इसीलिए हम नहीं गए, तो फिर ये गए हैं और बस ये गए हैं, सृजन गए हैं और सृजन के बड़े पापा, बाकी और भी उसकी दीदी लोग गई हुई है, उसका भाई भी गया हुआ है सृजन का, तो बस वे लोग अपना गांव गए हुए हैं, हम और गिन्नी ही घर पर थे। तो फिर ऐसे हमको तो मन भी नहीं था जाने का कि जाएं घूमने के लिए, लेकिन गिन्नी का थोड़ा दवाई ववाई ली है तो गिन्नी का तबीयत भी ठीक था लगा, तो वही गिन्नी बोलने लगी कि चलो हम लोग नदी पे चलेंगे घूमेंगे, हमको भी लगा कि चलो चलना चाहिए, थोड़ा इसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा इसको भी, तो बस इसी के लिए ले गए। तो हम लोग दोनों लोग घूमे और यहाँ का छठ भी मतलब थोड़ा तो कोरोना वाला भी असर दिख ही रहा था, और ऐसे हम लोग भी थोड़ा लेट ही गए हुए हैं, तो ऐसे गिरिडीह का छठ ना बहुत ही अच्छा छठ होता है, बहुत ही अच्छा, अगर मतलब हम जहाँ तक हमको पता है कि मतलब झारखंड में जो है ना सबसे पहला हजारीबाग आता है और सेकंड नंबर में गिरिडीह आता है, जहाँ का छठ का बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग सभी लोग मतलब अभी शाम में भी जाते थे, सुबह भी जाते थे, ऐसे अर्घ तो शाम में ही सुबह ही देते थे, नहा वगैरह के जाते थे तो सुबह ही देते थे, अभी भी नहा करके गए थे लेकिन अर्घ मतलब नहीं दिए, बस यूं ही थोड़ा सा, और सुबह ही करते थे, लेकिन पता नहीं गए वहाँ पे जा करके फ़ोन किया से जन, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपना गांव जा करके, इनको भी बहुत मन हो रहा था, कभी पर जा नहीं सकते थे, काम छुट्टी ही नहीं मिलता था, तो आज छुट्टी भी था, अभी एक दो दिन का छुट्टी भी है, तो फिर बोले चलो घूम आते हैं, तो फिर वही दोनों लोग वहीं पे गए हुए हैं और फिर घाट पे जाकर के बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मतलब ये छठ जो पर्व होता है बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, मतलब जो कद्दू भात से जो स्टार्ट होता है इतना अच्छा लगता है, जो कद्दू भात का जो खाना रहता है इतना टेस्टी, इतना अच्छा लगता है, और कल जो खरना का जो प्रसाद होता है, हम लोग प्रसाद लेने के लिए ना बहुत जगह गए थे, बहुत जगह से हम लोगों का इनविटेशन था, तो हम लोग बहुत जगह गए थे, बहुत सारा प्रसाद ही खाएं, और मतलब इतना इतना प्रसादी हम लोगों को भर भर करके दे दिया गया था, तो सुबह भी हम खाएं प्रसादी, तो बहुत ज़्यादा हो गया था प्रसादी मेरे घर पर, और बस हम तो यही सब हैं, और बस आज का ब्लॉग भी अब हम बंद ही कर देते हैं, अगर हम सुबह गए तो फिर इसको ही कंटिन्यू करेंगे, और नहीं गए तो फिर यहाँ पे ही मेरा एंड हो रहा है। तो अभी उन लोग वहाँ पर आज गए हुए हैं तो आज रहेंगे, आज तो रहेंगे ही, और हो सकता है तो कल आएंगे, नहीं तो परसों आ जाएंगे वो लोग। गिन्नी सुबह भी चलना है, सुबह जाओगी? हाँ। उठ जाओगी सुबह? कितने बजे उठना होगा? सुबह रात 3 बजे उठना होगा। 3 बजे इतने जल्दी कौन जाता है? क्यों सुबह कौन चल जाता है? क्यों नहीं बेटा, सुबह 6 बजे जाना चाहिए। सुबह चलेंगे, चलना है तो बोलो। हाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बोल तो रही है, अगर उठेगी गिन्नी तो हम लोग सुबह जाएंगे, और नहीं उठेगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। और आप लोग मतलब कि जो भी मेरा वीडियो में जो भी कमेंट्स करते हैं, तो हम तो पहले भी ये बात आप लोगों से कह चुके हैं कि उसमें हम रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो बस और आगे भी करते ही रहिए, कंटिन्यू रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से। गिन्नी का देखिए चेहरा सूख गया है, गिन्नी का तबीयत जो है ना सो
एक सप्ताह से नहीं ठीक है। दीपावली के दिन से इसका थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था और थोड़ा दर्द हो रहा है गला में, तो भी तो दिखवाए हैं तो बस ये भी दवाई लिए। तो आज कुछ तबीयत ठीक था तो आज इसको घुमाने के लिए ले गए। आज इसको फिर मॉल जाने का मन था लेकिन नहीं हम लोग गए। बस गिनी अब वीडियो को भी बंद कर देते। कुछ बोलोगी तुम? अगर आप लोगों को एक शॉर्ट स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाय 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 गुड नाइट।